अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा ड्रीम स्टाइलिंग। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बहुत ही स्टाइलिश, अट्रैक्टिव और डिसेंट डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत हैं। ऐसे डिज़ाइन आप किसी पार्टी फंक्शन, वेडिंग फंक्शन या फिर ब्राइडल ड्रेस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप इस तरह के डिज़ाइन से डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। इस वीडियो में से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि आपको किस ड्रेस के साथ किस तरह की ज्वेलरी पहनना ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो व्यूवर्स, जब आप एक अच्छा ड्रेस पहनते हैं तो उसके साथ ज्वेलरी अच्छी होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह की ज्वेलरी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, और अगर आपके सिटी में कोई अच्छी शॉप है तो आप वहाँ से भी इस तरह की ज्वेलरी ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, इस तरह की ज्वेलरी जब भी आप लें उसको संभाल के रखें, उसकी केयर कीजिए ताकि वो जल्द ख़राब ना हो जाए, ब्लैक ना हो, ताकि नेक्स्ट फंक्शन पे भी आप उस तरह की ज्वेलरी को दोबारा यूज़ कर सकें। तो व्यूवर्स, इस तरह की ज्वेलरी जब भी लें तो उसको आपने प्लास्टिक के डिब्बे में पैक करके नहीं रखना, किसी शीशे के बॉक्स में और प्लास्टिक का कवर लेकर उसको पैक करके रखें उसके कवर पैक के अंदर, वरना फिर आप टिश्यू के अंदर लपेट कर उसको अच्छी तरह किसी शीशे के बॉक्स के अंदर डाल कर रखिए। तो व्यूवर्स, इस तरह की ज्वेलरी जब भी लें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर आपने कभी भी परफ्यूम यूज़ नहीं करना। परफ्यूम यूज़ करने से ज्वेलरी ब्लैक हो जाती है, और ज़्यादा इसके ऊपर शैम्पू या फिर सर्फ़ का इस्तेमाल भी नहीं करना। जब भी आपने शावर लेना हो या फिर आपने हैंड वॉश करने हो तो अपने ब्रेसलेट वगैरह को उतार कर, रिंग को उतार कर फिर आप हैंड वॉश कीजिए ताकि साबुन वगैरह ना लगे उस पर, तो इससे भी ज्वेलरी आपकी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सकती है। तो व्यूवर्स, अगर आपकी ज्वेलरी ख़राब हो रही हो तो आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर आपने पानी डाल लेना है और थोड़ा सा सर्फ डाल लेना है। सर्फ डालीजिए या फिर शैम्पू डालीजिए, तो उसके अंदर आपने मीठा सोडा डालना है एक चम्मच, और आधा चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच सिरका डालकर उसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें। उसके बाद ज्वेलरी को निकाल कर शैम्पू और नींबू का आधा चम्मच रस डालकर ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ़ कीजिए। तो कोशिश कीजिए टूथब्रश यूज़ कीजिए ज्वेलरी को साफ़ करते वक्त, उससे आपकी ज्वेलरी बहुत जल्दी नीट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को न्यू बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।